नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में और बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। नागपुर जेल में याकूब मेनन को फांसी। मुंबई में 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के सिलसिले में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र दोषी याकूब मेनन को आज सुबह फांसी दे दी गई। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेनन को नागपुर केंद्रीय कारागार में आज सुबह 7 बजे से कुछ देर पहले फांसी दे दी गई। फांसी की सजा पाए अपराधी का पक्ष भी अंत तक सुनने और उचित न्याय दिलाने के लिए शीर्ष अदालत के दरवाजे आधी रात को खुले और करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई, लेकिन याकूब को राहत नहीं मिल सकी। 3 बजे रात से शुरू हुई सुनवाई 5 बजे तक चलती रही और उधर यहां केंद्रीय जेल में उसे फांसी पर लटकाने की प्रक्रिया भी समानांतर चलती रही। चार वर्षों में 3 खूंखार आतंकियों को फांसी। मुंबई में 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के सिलसिले में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र दोषी याकूब मेनन को गुरुवार सुबह फांसी दे दी गई और इसके साथ ही वो पिछले 4 वर्षों में आतंकी मामलों में ऐसा तीसरा दोषी बन गया जिसे फांसी दी गई। इससे पहले 2001 में संसद पर हमले की साजिश रचने के मामले में दोषी करार अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में और मुंबई पर 26/11 आतंकी हमले में एकमात्र जीवित पकड़े गए पाकिस्तानी बंदूकधारी अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार में फांसी दी गई थी। पुंछ में पाक ने तोड़ा संघर्ष विराम, जवान शहीद। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सीमावर्ती चौकियों को निशाना बनाकर हमला किया और इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक सीमावर्ती चौकी पर बुधवार रात पाकिस्तानी सैन्य बलों ने हमला किया जिससे सिपाही रजपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। 22 सिख यूनिट के जवान सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के कारण बाद में दम तोड़ दिया।